कमबख्त, एक प्याली दूध भी गर्म करके नहीं दे सकता, कब छूटेगी जान इससे मेरी। लेमा, दवा खा ले। सुबह की दवा दिनचर्या खाऊं तो दवा क्या खा कसर करेगी? तू चाहता है कि मैं मर जाऊं? अभी सूरज देवता को जगने में काफी समय लगेगा, खा ले, आराम आ जाएगा। सुबह होने में काफी देर है माँ। सूर्य देवता को जागने में वक्त लगेगा, अभी सुबह होने में देर है। जुबान तो देखो कैसी कैची की तरह चलाता है। अब मेरा मुंह क्या ताक रहा है मनहूस? जा, जाकर मेरे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर। अच्छा माँ, पर तू ये दवा जरूर खा लेना। हम्म, अमर, मैंने जो कहा था सब याद है बेटा? हाँ भैया, वो तो मुझे भी याद है। हाँ? तो बताओ क्या कहा था। घर से सीधा स्कूल, स्कूल से सीधा घर, रास्ते में कहीं रुकना नहीं, एक दूसरे का छोड़ना नहीं। शाबाश, बहुत पाले बच्चे। चलो अब स्कूल को देर हो रही है। चलो बेटा खाना रखा। भैया चलो, शाबाश। टाटा बड़े भैया। टाटा बड़े भैया।
भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी सुखी रहेगी। भाई साहब, आपकी बेटी राज करेगी, राज। बहन जी, लड़की की किस्मत अच्छी हो तो सब ठीक है, वरना। किस्मत तो बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, तो क्या मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? मुझे तो रिश्ता मंजूर है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि एक बार लड़की की मर्जी जान लूं तो अच्छा है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अच्छा, तो आप इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते, जीती रहो, सुखी रहो। जरा सुनो बेटी, ये लोग तेरी शादी की बात करने आए थे। मैंने रिश्ता मंजूर तो कर लिया है, मगर ये साफ कह दिया है कि पक्का जवाब तभी दूंगा जब अपनी बेटी की मर्जी मालूम कर लूंगा। अच्छा किया डैडी कि आपने इनसे मेरी मर्जी जानने के बाद कर दी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे, खाता पीता घराना है, इज्जतदार लोग हैं, लड़का देखने सुनने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है, और क्या चाहिए? ये बात नहीं है डैडी। तो फिर क्या बात है डैडी? राज बहुत अच्छा लड़का है, आप भी उसे पसंद करेंगे, एकदम सीधा साधा है। डैडी, हम दोनों एक दूसरे से, मैंने राज से शादी करने का फैसला कर लिया है, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे, तेरी खुशी से क्या मुझे कोई बैर है? राज अच्छा लड़का है, तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ओ डैडी, मगर एक शर्त है। वो क्या डैडी? मैं अपने तजुर्बे की आंखों से उसे एक बार देखना चाहता हूँ। ओ श्योर डैडी। पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद सारी कहानी तुम जानती हो सावित्री। माँ है, भाई हैं, उनका ख्याल रखना, फिर कॉलेज जाना, नौकरी करनी, ये सब। तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों में शामिल क्यों नहीं कर लेते? मैं तो कहती हूँ आज चलकर डैडी से बात कर लो। आज ही? अरे, कुछ सोचने का मौका तो दो। तुम यूं ही सोचते रहोगे तो डैडी मेरी शादी कहीं और पक्की कर देंगे। और तुम उनके कहने से शादी कर लोगी? तुम भी बड़े चालाक हो। अच्छा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना किसी से शादी नहीं कर सकती। यही तो गड़बड़ है। क्या? कुछ नहीं, तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मेरी किसी से शादी नहीं हो सकती। डॉक्टर ने दवा बदल कर दी है माँ। नहीं बेटा, अब दवाई से कुछ नहीं होगा। बैठ जा बेटा। माँ, तूने मुझे बेटा कहा? हाँ बेटा, मैंने तुझे अपनी कोख से तो नहीं जन्मा धनु, लेकिन तूने मेरी सेवा सगे बेटे से भी बढ़कर की है। नहीं माँ, ऐसा मत कह। माँ तो माँ ही होती है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरा इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से कराऊंगा। ले, अभी तो दवा खा ले। नहीं, मुझे मेरी फिक्र नहीं है बेटा, फिक्र है तो तेरे इन दोनों छोटे भाइयों की। तू मुझे वचन दे, आज से तू ही इनकी माँ, तू ही इनका बाप है, बोल धनु। माँ, तेरा साया सर पे रहे, बस सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी अपनी है माँ, मेरा खून है, मैं इनकी खुशियों के लिए सब कुछ करूंगा। तू मेरे भाइयों के बारे में चिंता मत कर, बस तू ठीक हो जा माँ, ठीक हो जा। हाँ। बेटा, बेटा। हाँ माँ। बेटा, बेटा। माँ। सावित्री, मुझे और बहुत से काम हैं, मैं फिर मिल लूंगा राज से, हो सकता है वो भूल गया हो। डैडी, थोड़ी देर और। लेकिन बेटी, वो तो इसी शहर में है ना, फिर किसी दिन बुला लेना। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा डैडी। अच्छा बेटी।
पता नहीं क्यों नहीं आया। चौंक क्यों गए और ये सब क्या है? खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए तो मैं खुद चलकर आई हूं कि तुम घर चलकर डैडी से शादी की तारीख पक्की कर लो। अभी शादी नहीं हो सकती। क्या? हाँ। नहीं, कैसे हो सकती? मैं अभी मां से बात करती हूं। सावित्री, मां अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ सावित्री, मां हमें छोड़कर चली गई। अब तो बस मां को दिया हुआ एक वचन है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। कैसा वचन? कौन सा वचन राज? मेरे ऊपर मां छोटे भाइयों की जिम्मेदारी छोड़ गई है। जब तक वो अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। राज, जीवन की गाड़ी एक पहिए पर नहीं चलती। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि शादी के बाद अमर और किरण को वो प्यार दूंगी कि उन्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। नहीं सावित्री, हर लड़की के शादी के बाद कुछ सपने होते हैं, जो इन हालात में मुझे नहीं लगता कि मैं उन सपनों को पूरा कर पाऊंगा। मेरी इतनी जिम्मेदारियां हैं जिनके तले मैं तुम्हारे सपनों को कुचलना नहीं चाहता। मुझे माफ कर देना राज, जिंदगी की किताब में मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया है। वो किताब जल सकती है अगर उसे तुम्हारा नाम नहीं मिट सकता। बेटी, अगर उसने अपनी माँ को दिए हुए वचन की खातिर अपने भविष्य, अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लिया है तो फिर तुझे भी हक है कि अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुद ही रास्ता चुने। अब तू कहे तो राहुल के पिता को हाँ कह दूं? उन्हें तेरे ही जवाब का इंतजार है बेटी। नहीं डैडी, मैं किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब बेटी, ये भी कोई समझदारी है। अब तू ही सोच, एक बाप की हैसियत से मेरा भी कुछ फर्ज है, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं चाहता हूं तू अपने घर चली जाए, सुख से रहे और तेरा ये सुख मैं अपनी आंखों से देखूं। डैडी, बचपन से अब तक आपने जो मुझे लाड प्यार दिया है मैं उसका वास्ता देती हूँ। आप मुझे मजबूर न करें। मैंने राज को दिल से अपना जीवन साथी मान लिया है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। आप मेरी चिंता न करें, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी डैडी। बोझ? अरे पगली, ये कैसी बातें करने लगी है तू? औलाद माँ बाप पर कभी बोझ नहीं होती।
तेरा एक सपना तो पूरा हो गया है, किरण इंजीनियर बन गया है, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, उसका सेठ उसे बहुत बड़ी मिल का सर्वे करने के लिए यहां से दूर भेज रहा है। आज पहली बार किरण उसे बिछड़कर दूर जा रहा है। आशीर्वाद दे मां। भैया ये क्या क्या रे? आपकी आंखों में आंसू? अरे नहीं रे, ये तो मेरी जीत के आंसू हैं। मैंने मां को वचन दिया था ना, आज वो पूरा हो गया है। देख तू मेरी एक बात सुन ले। सुनाइए। क्या है किरण, तू ठीक से वक्त पर उठ जाया करना। वो अलार्म वाली घड़ी रख ली है ना? हाँ जी। दिन में सिर्फ दो बार चाय पीना। ठीक है भाई। और खाना ठीक से खा लिया करना। खा लूंगा। और देख, गांव खेड़े में जा रहा है, मौसम खराब होगा, गर्म पानी से नहाना। नहा लूंगा। और रात को सोने से पहले गरम गिलास दूध पीना। पी लूंगा। और एक बात सुन, यहाँ से तू सीधा स्टेशन जाना, फिर जाकर आराम से ट्रेन में बैठना। किसी पैसेंजर से झगड़ा मत करना, ट्रेन से उतरना नहीं, ट्रेन के रुकने के बाद उतरना। सामान उतारने के लिए कुली को बुला लेना, कंजूसी मत करना। यही सब कहना ना आपको भैया? तुझे तो सब कुछ याद हो गया। तीन दिन से आपके यही डायलॉग सुन रहा हूँ, तो याद तो हो जाएंगे ना भैया? मारूंगा तुझे। अरे बड़े भैया, ट्रेन छूटने तक आपकी बातें खत्म नहीं होंगी। ये कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं, 24 साल के हट्टे कट्टे नौजवान हैं। अगर शादी करा दी जाए ना तो छोटे छोटे बच्चे पैदा कर देंगे। आपको बोलेंगे ताऊ, मुझे बोलेंगे चाचा। मैं तेरे खींच के लगाऊंगा। चल भैया, अब चल चल डब्बा उठा, चल चल चपड़ चपड़ कर रहा। सारी गुलामी मुझसे करा दे, पराठे खा लेना, सब बांट दे मत। आइए किरण बाबू, यह है आपके ठहरने की जगह, और वो जमीन देखने के लिए कल सुबह मैं आपको वहां ले जाऊंगा। अब मैं आपके लिए गरम प्याली चाय ले आता हूं। रामू का मैं चाय नहीं पीता। तो क्या दूध पियेंगे बाबूजी? 3 दिन गांव का दूध पियोगे तो तबीयत बन जाएगी, 4 दिन पियोगे तो चालाक बन जाओगे, 5 दिन पियोगे तो पहलवान लगोगे। अरे चुप, बकवास बंद कर। बाबूजी, ये मेरी बेटी है देवकी। अरे किरण बाबू नमस्कार कर। ओ नमस्ते। अच्छा बाबूजी, मैं चाय ले ही आता हूँ। अरे देवकी जी, अगर 1 महीना में आपकी भैंस का दूध पी लूं तो क्या होगा? होगा क्या, आपके घर वाले आपको पहचानेंगे नहीं। तब तो मुझे दूध नहीं पीना, बस खाना खा लूंगा। अरे ऐसा खाना खिलाऊंगी कि उंगलियों के साथ साथ बर्तन भी चाटते रहोगे। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मक्की दाल, चावल, सरसों का साग, मक्की की रोटी और गाजर का हलवा और रबड़ी। बस बस, और नाम ना ले, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्यों, आपके घर में खाना कौन पकाता है? आपकी माँ? मेरी माँ नहीं है, मगर जिसकी बदौलत मैं इतना हट्टा कट्टा दिख रहा हूँ वो है मेरे बड़े भैया। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, मगर मेरे लिए तो वही साक्षात भगवान है। और कौन कौन है घर में? मेरा छोटा भाई अमर। भैया भैया भैया, आ गया तू। देखो भैया, जब से किरण भैया गए आप बहुत खोए खोए से रहते हैं। जाते वक्त तो आप उन्हें समझा रहे थे, और खुद ना तो वक्त खाना खाते ना वक्त सोते हैं। मैं उन्हें सब कुछ लिख दूंगा। देख ऐसे ऐसा मत लेते ना उसे, वो परेशान होगा। क्या हुआ मुझे? बिल्कुल तो ठीक हूं मैं तो बस ये सोच रहा था, अमर शहर की जिंदगी और गांव की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। वहां गया है, पता नहीं उसे कितना काम करना पड़ता होगा, कहां उसका रहने का इंतजाम होगा, कौन उसे खाने के लिए पूछता होगा। यहां तो मैं था, भगवान करे जहां भी वो हो खुश हो बस। और खाइए ना बाबूजी। और खाऊंगा तो 4 दिन तक सोता रह जाऊंगा। तुम सब कुछ लाई हो मगर एक चीज भूल गई हो। वो क्या? हाजमे की गोली। अच्छा उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, यहाँ का पानी
इतना अच्छा है कि खाना खाते ही हजम हो जाता है। तुम्हारी बात तो सही है, मगर सब शहर वाले अगर गांव में रहने आ जाएं तो गांव भी शहर बन जाएगा। बाबूजी, आपको गांव अच्छा लगता है कि शहर? पहले तो शहर ही अच्छा लगता था, मगर अब तुम्हें देखने के बाद गांव ही अच्छा लगने लगा है। हमारे क्लास में जो नया टीचर आया है वो कितना स्टूपिड लगता है। हेलो आशा। हाँ, तो मैं टीचर के बारे में बात कर रही थी। एकदम क्यों भेड़ो, ये माल तुझ जैसे कंगाल के लिए नहीं है। मेरा नाम जानता है तू? चमन, चमन भुंडी मरोड़ के। ये कली तो सिर्फ इस चमन में खिलेगी, और आइंदा अगर मैंने तेरी परछाई भी इसके पास देखी तो तेरी माँ तेरी माँ तुझे जिंदा नहीं देख पाएगी मुंडी मरोड़ के। अम्मा यार, तुम तो वाकई में सीरियस हो गए। खैर, क्या नाम बताया था आपने? चमन। बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है, और जिसे आबाद रहना चाहिए। लेकिन यह पहला चमन होगा जिसे अगर मैंने बर्बाद नहीं किया तो एक मासूम सी कली खिलने से पहले ही मुरझा जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो साथ में चमचे भी आए हैं। चमन है, ये लोगों की मुंडी मरोड़ते हैं। मरोड़ने की मुंडी? अब नहीं मरोड़ेंगे मुंडी। अरे चमन, उसने खुद को सजा के तुमसे मिलूंगी यही।
वाह मेरी जा वंडरफुल, जल्दी से फिर ये लो जी। वाह मेरी जा वंडरफुल, जल्दी से फिर ये लो जी। लो जी कीमत क्या तुम बोलो जी हाँ। आशा जी डैडी इधर आओ। कौन है वो? कौन? जिसने चमन से लड़ाई की। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी इन पर है। ये जो आपके सामने मासूमियत का चेहरा बनाए खड़े हुए हैं, मैंने समझा था कि इनको अच्छा खासा सबक मिल चुका है और ये दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मगर जब बात अब तक पहुंची गई है तो सुनिए, जिनसे इन्होंने मारम पीटी की उसका नाम अमर है और हमारे कॉलेज को उस पर फक्र है। उसने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की और इन्होंने उस पर हाथ उठा दिया। इन्होंने मुझे अपनी दिल की रानी कहा और जाने क्या क्या बदतमीजी की बातें कही। बताते हुए भी शर्म आ रही है, सारा कॉलेज सुन रहा था। अपनी बेटी से पूछे बगैर आपने इस पर विश्वास कर लिया और इसे डांटने के बजाय आप मुझसे नाराज हो गए। तो ये करते फिरते हो तुम। शरप, आइंदा आशा से बात करने की कोशिश की तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी मैं। ठीक है मामा जी, नहीं करूंगा। शर्मा से कहना मुझे ऑफिस में मिले। नगर आउट। शर्मा जी आप शराब पी रहे हैं? शराब ही तो पी रहा हूँ, किसी का खून तो नहीं पी रहा हूँ। क्या बहुत बुरी बात है शराब? मेरी नजर में तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद पीता हूँ मुंडी मरोड़ के। मगर हाँ, उनकी नजर में बहुत बुरी बात है। किसकी नजर में? मामा जी की है। उसको क्या पता कि ये साली शराब क्या चीज है। हे, लेकिन देख, वो साहब जी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं शराब पीता हूँ। नहीं पता चलेगा मुंडी मरोड़ के। निकालो 100 रुपया। 100 रुपये? सौ रुपये किसके लिए? आप शराब नहीं पीते। मैं शराब नहीं पीता, ये ले। लेकिन ये बता, तुम्हारे हमारे प्लान का क्या हुआ? शर्मा जी, चमन के हाथों में निराशा की लकीर हिच नहीं। हिच नहीं? लेकिन सुना है आजकल उसका किसी दूसरे के साथ लफड़ा चल रहा है। लफड़ा तो किसी के साथ भी चले, आखिर मैं उसका होने वाला पति मेज हूँ और लाखों की जायदाद का अकेला। इधर मुड़, इधर मुड़। हाँ। अकेला नहीं, हम दोनों। हम दोनों? हाँ, हम दोनों। हाँ।
काका का इलाका। बस किरण बाबू अंदर मत जाना वरना वो भूखे शेर की तरह टूट पड़ेगा। शेर कभी कुत्तों को चौकीदारी नहीं सौंपता। ये जमीन हमारी है, हाथ उठाने से पहले ये सोच लो कहीं तुम्हारे हाथ टूट ना जाए। राका और हम कहीं भी डाल देते हैं डाका। बबुआ ये हमारा इलाका, उड़ा चला। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। कुत्ते हमका कुत्ता कहा, अब कुत्ता कह दिया तो काट कर तो दिखाएंगे। ले चलो इसे। बुड्ढे हमरा जेल से आने से पहले मर मत जाना। हमरा नाम है राका, तेरी घर जरूर डालेगा डाका। चलो कौन सा जेल है ये टाइम। तुम्हारे डैडी मान तो जाएंगे ना, ये ऊंच नीच अमीरी गरीबी मेरा मतलब था वो। तुम क्या कहना चाहते हो मैं सब जानती हूँ। अमर अमीर हो या गरीब, दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा कोई चीज प्यारी हो। और फिर मेरे पिताजी तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि बड़े से बड़ा शब्द भी छोटा लगेगा। उनको मेरी खुशियों से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। अमर देख रामू, मैं रोज तुझे एक बोतल देता हूं, पर तू भी तो कभी मुझे कुछ दे ना। जानता हूं यार, तू मुझे रोज एक बोतल देता है। हाँ। पर मैं क्या तुझे दे सकता हूं। हाय हाय यार, अपनी बेटी का हाथ। हाँ। फिर देख ये जिंदगी भर एक दो दस बीस बोतल तो क्या, ये सारा दारू खाना तेरे नाम कर दूंगा। सारी जिंदगी दारू पीता रहूंगा? अरे हाँ, तू सच कह रहा है? अरे सच, मैं जिंदगी भर पीता रहूंगा। हाय तेरी बेटी की कसम रामू, तेरी बेटी की कसम। दे दूंगा, देगा मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। एक न एक दिन तो उसकी शादी करनी है ना, पर तू मंगवा ना, मंगवा। अरे लो अभी आई, ए शराब लाओ। एक दो तीन। शंभू इजो। चलो भाई, आज इसको बेटी की शादी की चिंता से मुक्त कर देते। चलो रामकाका उठो, रामकाका उठो। तुम्हें पानी क्यों डाला? अरे मैंने तो सिर्फ पानी डाला है, वो चारों तेरी इज्जत पे हाथ डालने जा रहे हैं। कौन? शंभू और उसके साथी। शंभू? हाँ,
जम्बो। हे भगवान, कब आएगी बाबू को अकल? आधी आधी रात तक दारू के अड्डे पे बैठे रहते हैं। लो आ गए। तुम लोग? हाँ, हम लोग। कौन है तुम? तुम्हारे बाप का दामाद और तुम्हारा एक रात का पति। वाह मेरी जान, वाह, इसे तो तूने अपने पीछे छुपा लिया, अब खुद किसके पीछे छुपेगा? अरे काय को भेजा घुमाता यार, तू उसको देख ले, मैं इसे देख लेता हूँ। तुम चार हो और तुम चारों की कब्र एक ही होगी, वो भी कब्रिस्तान से दूर, यहाँ इसी जगह, क्योंकि कब्रिस्तान में सिर्फ शरीफ लोग दफन होते हैं। ये रही आपकी देवकी। बेटी देवकी, मुझे क्षमा कर दे। बेटी बस एक बार और क्षमा कर दे, न जाने इन आंखों पर कैसी पट्टी बन गई, मैं तो पागल हो। किरण बाबू, मैं आपके इस एहसान का बदला सारी जिंदगी नहीं चुका सकता, ये सब इस मनु शराब की वजह से हुआ है। मैं अपनी बेटी की सौगंध खा के कहता हूं कि आज के बाद इस गंदी चीज को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सच बापू? हाँ बेटी। बापू, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं बेटी, कभी मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। चल घर चल, चल आजा आजा। अमर, अमर ये पढ़ाई लिखाई छोड़, जल्दी से जाकर टेलीग्राम देख आ। किसको? अरे किसको क्या, किरण को सिखा, कम इमीडिएटली। पर क्यों भैया? अरे क्यों क्यों, छोड़ ये मुंह मीठा कर, चल जा जल्दी भाग गए। भैया वो पैसे नहीं मेरे पास। अब पैसे नहीं है, ये ले 50 रुपए, चल भाग भाग भाग। क्या सोच रहे हो देवकी? कल रात अगर आप, आपने मेरी इज्जत नहीं बचाई होती तो मैं कहीं की नहीं रहती। देवकी ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, कोई नई बात करो। नई बात? हाँ, जिसे सुनकर हवा में सुगंधी सुगंध फैल जाए, ये पेड़ पत्ते झूमने लगे, ये फूल खिलने लगे। ऐसी बातें तो कोई जादूगर ही कर सकता है, मैं कोई जादूगरनी थोड़ी ना हूं। तुमने तो वो जादू किया है कि मैं जिंदगी भर के लिए तुमसे दूर नहीं रह सकता। मतलब? प्यार का जादू देवकी,
जानी तेरा जवाब नहीं, ओ कहीं ऐसा जवाब नहीं, ओ जानी तेरा जवाब नहीं। इमीडिएटली ये आंसू नहीं तेरे आंखों के मोती हैं। अरे पगली, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। दो चार दिनों की बात है, मैं यूं गया और यूं आया। और अगर तुम नहीं आए तो क्या तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास नहीं? प्यार पे तो है, लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरण। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है जानू। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी और मेरी ही रहोगी।
जानकी दास जी, अब मुझे कोई बात नहीं सुननी। आपकी बेटी हमारी हो गई, इसके आगे कुछ मत बोलिए। बोलने बुलाने के लिए रह ही क्या गया है, आपने तो मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। देखिए, बेटी को कभी बोझ नहीं कहा जाता, वो तो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। और फिर अब तो हमारे घर की गृहलक्ष्मी है। वाह, सिर्फ गृहलक्ष्मी नहीं भैया, हमारी भाभी कही है भाभी। और अब भाभी को जल्दी से घर ले आइए। अरे दूल्हे राजा को तो घर आने दे भैया। भैया, अरे अरे गले लग। कैसा छोटे। ए किरण, चल पाओ छुया। जीते रहो बेटा। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा जी, चलिए मैं छोड़ के आता हूँ। कैसा तू? मैं तो बढ़िया हूँ। पहले ये बताओ कि मेरे लिए गांव से क्या लेके आया। मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, और जो खुशखबरी मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ वो ये है। ठहरो, पहले मैं अपनी खुशखबरी सुनाऊंगा। छोटे, पहले मैं सुनाऊंगा। मैं छोटा हूँ इसलिए पहले मैं सुनाऊंगा। मैं सुनाऊंगा। ये क्या हो रहा है? खबर मैं सुनाऊंगा। ठीक है भैया, मैं बड़ा हूँ। तू बड़े अच्छे मौके पे आया है। ये सज्जन जो भी गए हैं ना, इनका नाम है जानकी दास। इनकी बेटी के साथ तेरा रिश्ता पक्का कर लिया। क्या तुम चुप क्यों करन भैया? क्या हुआ रे? इनकी बेटी का नाम है यशोधा, साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। लगता है करण भैया नाराज हो गए। हाँ, मैं नाराज नहीं हूं भैया, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी मुझे है ना भाई, बरसों हो गए इस घर को बहू का मुंह देखे हुए और हमें नाचे हुए। भैया, अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो? क्या तू शादी से इनकार करेगा? तुझमें इतनी हिम्मत आ गई? एक बात कान खोल कर सुन ले किरण, इस रिश्ते को मां ने तय किया था और मैंने जानकी दासी को वचन दे दिया है, इस घर में मां की बात को कोई नहीं डाल सकता। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। भैया बात तो सुन लीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। विश्वास नहीं? प्यार पे तो है, लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरण। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है जानू। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। भैया मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। घर में मां की बात को कोई नहीं डाल सकता। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। सच? हां भैया, मुझे मालूम था।
सदा खुश रहे। बुड्ढे हमने कहा था ना, नाम है हमरा राका, अब हम आ रहे हैं डालने डाका। अच्छा, गांव के सारे लोग इधर ही आ रहे। इसकी मैया का मजा तो अधूरा रह गया। मारो, तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। जय बापो, जय बापो, तुम नहीं मर सकते। अरे रामू काका का राका ने खून कर दिया। देवकी का कुछ पता नहीं कहां गई। कहां गई होगी? अरे राका तुम आओ। अरे वाह ससुर, का इंग्लिश घर बना है। अरे आओ राका बैठो। जंगल का शेरा शहर में कैसे? अच्छी शराब पिए और अच्छा खाना खाए, बहुत दिन हो गया। हमने सोचा हम भी शहर में रह के सेहत बना लें। अच्छा तो लो खाओ। अरे खाने से पहले कुछ पीने का दस्तूर है। तो लो पियो। अब बताओ क्या करके आया हो? एक बुड्ढा साला अपनी मौत मारा गया। कौन था? और रामू तुम्हारे सेठ की जमीन का चौकीदार। लेकिन जमीन पे तो अपना ही कब्जा है ना। पर किसका हिम्मत है जो शेर का मुंह से मांस का टुकड़ा ले जाए। हमारे आदमी रोज गांव वालों को हमारा नाम याद दिलाते रहते हैं दनादन। लेकिन तुम्हें यहां बड़े ध्यान से रहना होगा। मगर हम खाली नहीं बैठ सकता। हमारे मतलब का कोई काम बताओ। हाँ काम भी बताएंगे। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत काम है। ये लीजिए चाय। यशोदा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शादी से पहले आप सोचते होंगे मैं इस घर को संभाल सकूंगी कि नहीं। लेकिन आप नहीं जानते, इस घर की खुशियों के लिए मैं अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ऐसा मत कहो यशोदा, तुम ही तो इस घर की शान हो। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। ऐसा भी होता है, ये तो सरासर अन्याय है। क्या हुआ भोले चाचा? मैं 3 दिन की छुट्टी लेकर गांव गया था, वहां मेरा बेटा मर गया। उसकी वजह से मैं 10 दिन लेट हो गया।
तो शर्मा जी ने मुझे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और कहा कि कहीं और जाकर नौकरी ढूंढो। शर्मा जी की इतनी हिम्मत? शर्मा जी, अपना भला चाहते हो तो भोले चाचा से माफी मांग लो, नहीं तो तुम क्या कर लोगे बेटे? आप देखना चाहते हैं? हाँ, तो देख लो। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, क्या बात है किरण? सेठ जी, मिल के मालिक आप हैं या वो शर्मा जी? क्या मतलब? मिल मजदूर को नौकरी से निकालने वाले वो कौन होते हैं? आखिर हुआ क्या है? शर्मा जी ने भोले चाचा पर हाथ उठाया और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। आप लोग क्या चाहते हैं, मैं शर्मा जी को नौकरी से निकाल दूं? नहीं सेठ जी, बस एक बार वो सबके सामने भोले चाचा से माफी मांग लें। शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं, माफी मांगना या? आई एम सॉरी भोलेनाथ जी। सेठ जी जिंदाबाद, सेठ जी जिंदाबाद, किरण भैया जिंदाबाद, किरण भैया जिंदाबाद, किरण भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम अभी दवाई खा लेना, बाद में दूध पीना भी मत भूलना, भारी चीज उठाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? और हाँ, बड़े भैया आकर खाना बना लेंगे। हे मेरी माँ, तुम कोई फॉरेन टूर पे जा रहे हो या 8 घंटे की नौकरी करने के लिए? यूं गए और यूं आए? अरे भाई, पहली बार बाप बनने वाला हूँ ना। तो इसमें तकलीफ तुम्हें होगी या मुझे? वो तो तुम्हें होगी, काश मैं तुम्हारी तकलीफ में हिस्सा ले सकता। चलो अब जाओ। Thank you.
टैक्सी। मुबारक हो, माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, आप मिल सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। भगवान ने सब ठीक कर दिया। अरे लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो। बहुत प्यारा मुन्ना है। किस पर गया, तुम पर या बाप पर? आप कौन है? मैं धनराज हूँ। तुम खर्चे वर्चे की फिक्र मत करना, तुम्हें इस वक्त ना अपना और बच्चे का ख्याल रखना है। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? मालूम नहीं। ओले 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 ओले, देखते ली मम्मी क्या कहती है। कहती है उसको मालूम ही नहीं है। अब सुनिए, आप जरा बाहर जाइए, मुझे इनके कपड़े बदलने हैं। हाँ जी हाँ जी, तुम परेशान मत हो, मैं बाहर बैठा हूँ, जैसे काम कर लेंगे मैं अंदर आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा मेरे बच्चा, अपना आराम से, आराम से, आहिस्ता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता, हाँ आराम से। अरे भैया आप, ये शोभा किरण कहाँ है? तू परेशान मत हो बहू, अमर तू जाके किरण को लेके आ। मैं चल लेने दे, मैं हूं ना यहाँ, मैं सब संभाल लूंगा। अरे भैया, किरण भैया का रहना बहुत जरूरी है, मैं उन्हें अभी बुला के लाता हूँ। अब भाभी का ख्याल रखिए। हाँ अच्छा चल ठीक है, आ बेटा, हिम्मत बेटा हिम्मत। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, ये वो डोंट वरी, हम लोग हैं। आप इनके नाम की पर्ची निकालकर फर्स्ट फ्लोर में वार्ड नंबर 104 में आइए। नर्स इनको वहां लेकर जाओ। आइए जाइए। लड़का है लड़की, वैसे मेरे अंदर में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। वैसे क्या हुआ है? I'm sorry. वो बच्चा माँ के पेट में ही मर चुका था। बच्चा माँ के पेट में मर चुका था, लेकिन माँ खतरे से बाहर है। मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, उसको अब आराम की जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर यशोदा को होश आने के बाद पता चला कि उसकी गोद सूनी हो चुकी है, तो ये बच्ची डॉक्टर साहब, ये बच्ची ये सब में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पागल हो जाएगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब वो पागल हो जाएगी। अब ईश्वर की इच्छा के आगे कोई क्या कर सकता है? डॉक्टर साहब अभी अभी ये जिस औरत को लाए थे वो औरत वार्ड में इस पर्ची के साथ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। मेरे बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। एक बदनसीब माँ, एक माँ अपने मासूम बच्चे को अपनी गोदी में खिलाने के बजाय एक अनाथ आश्रम में डाल देना चाहती है। डॉक्टर साहब एक विनती करूं, इस मासूम को अनाथ आश्रम में डालने के बजाय अगर यशोदा की गोद में डाल देंगे तो इस बच्चे को माँ की गोद मिल जाएगी और माँ को। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो धनराज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अरे नहीं नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इनके साथ जाइए, जाइए। देख कितना प्यारा मुन्ना है, आजा।
कन्हैया जी ने जन्म लियो रे, कन्हैया जी ने जन्म लियो रे। तुमसे लाला है अम्मा तुमसे, अरे एक दो शाला अजी ताओ तुमसे, पांच शर्फी अजी चाचा तुमसे, हाय दो मन बर्फे। कन्हैया जी ने जन्म लियो रे, कन्हैया जी ने जन्म लियो रे। चलना तारों भरी अंगनाई रे, डोले हमरा लल।
पानी घुटा थाम चलूंगा इसकी बाहें हो जाऊंगा जब मैं बुढ़ा। अरे देखो कैसे चलता है जैसे जापानी घुटा थाम चलूंगा इसकी बाहें हो जाऊंगा जब मैं कैसा फुटबॉल जैसा ये कूदे कैसा ही मैन जैसा ये दौड़े कैसा फुटबॉल जैसा ये कूदे कैसा ही मैन जैसा खुशियों भरी अंगनाई रे खेले हमरा ललना खुशियों भरी अंगनाई रे बैठे शर्मा जी। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? हम जिस चीज को पसंद करते हैं उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं देवकी जी। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि जिस कॉटन मिल के आप मैनेजर हैं उसे हम खरीदना चाहते हैं और ये काम सिर्फ आप ही करवा सकते हैं। आपने मुझे इस काबिल समझा इसके लिए धन्यवाद। तो फिर जल्दी से ये सौदा पक्का करवा दीजिए। आपको इनाम के तौर पर 2 लाख रुपए नकद और उस मिल के जनरल मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। तो समझिए आपका ये काम हो गया। मैं आज ही दीवान दीनानाथ जी से बात करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए देवकी जी। नमस्ते। नमस्ते। बात तो तुम ठीक कह रहे हो शर्मा, लेकिन इतनी बड़ी रकम देकर इस मिल को कौन खरीदेगा? नहीं, मैं जानता था दीवान साहब कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं खरीददार ढूंढ लूं तो आप अपनी मजदूरों की भलाई के लिए इस मिल को बेच दोगे ना? हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस मिल को बेचने में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? नहीं दीवान साहब, अपनी मिल की इमारत पुरानी हो चुकी है, मशीनें भी जवाब देने वाली है। उसके ऊपर पैसा खर्चा करने के बजाय नए सिरे से काम शुरू किया जाए, ऐसा मेरा ख्याल है। आप मिल बेच रहे हैं? बेटी शर्मा जी, पहली बार अच्छा मशवरा लेकर आए हैं। हम इस मिल को बंद करके नई मिल खोलेंगे। मैं समझी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय बाय। सुप्रभात देवकी जी। सुप्रभात। आइए शर्मा जी बैठिए। क्या खबर लाए हैं? खबर खुशखबरी बोलो, खुशखबरी। सेठ जी ने मिल के लिए आने वाली नई मशीनों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इस वक्त अगर हम अपना ऑफर दे दें तो नतीजा जल्दी सामने आ सकता है। लीजिए। मुंह मांगी रकम भर दीजिएगा। मैं मिल के गेट पर अपना बोर्ड देखना चाहती हूँ। वाह दीनानाथ जी, इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते, आप निश्चिंत रहिए। समझ लीजिए कि मिल के गेट पर आपके नाम का बोर्ड लग चुका है, देवकी टेक्सटाइल्स मिल। शर्मा जी, ये मिल मजदूरों की माँ है और आप भी हमारी तरह इस मिल के नौकर हैं। मैं इस मिल का नौकर हूँ या सेठ, इसका फैसला तुम नहीं मिल के नए मालिक करेंगे, समझे? क्या बात है शर्मा जी? ये किरण बाबू पगार बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों को भड़का रहे हैं। हम सभी मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किरण बाबू को इसी वक्त मिल की नौकरी से हटा दिया जाता है।
किसी मजदूर को इस बात पर एतराज है तो वो अभी इसी वक्त लौट सकता है। अदालत के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अब तो फैसला हो गया ना किरण बाबू कि मैं इस मिल में क्या हूं। हाँ? क्या चलो आप लोग जाइए काम पर जल्दी चलो और आप बाहर जाइए वरना मुझे धक्के मारकर आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा समझे किरण बाबू। क्या लाओ साहब? एक बोतल शराब। कौन सी? कोई भी। अभी लाया। ये तुम क्या कर रहे हो किरण? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो मैं शराब पी रहा हूं। बड़े भैया गंगा जल के अलावा किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाते और तुम शराब पी रहे हो? हाँ हाँ, मैं शराब पी रहा हूं। गम के समुद्र में अगर इंसान डूब जाए तो शराब के सहारे ही तैर सकता है। जमाना कितना बदल गया है। कल मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया हूं? किरण किरण अपने आप को संभालो। किरण प्लीज संभालो अपने आप को। किस्मत ने मुझे इतनी ऊंचाई से फेंका है। मेरी नौकरी चली गई। तो क्या हुआ यार, तो क्या हुआ? एक गई दूसरी मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। किरण अगर तुझे मुझसे थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो मुझे पीने से मत रोक। मुझे पीने से मत रोक दुलारे। किरण नहीं, मत रोक किरण। शर्मा जी मैंने सारी फाइलें देख ली हैं। जो मजदूर काम पर नहीं आना चाहते हैं उन्हें निकाल दीजिए और नए मजदूर रख लीजिए। लेकिन मैडम मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किरण जैसे मामूली मजदूर के लिए आप बिजनेस में घाटा क्यों खा रही है। शर्मा जी आप हमारे नौकर हैं और हम आपकी मालकिन। हमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं। आपसे जितना काम करने के लिए कहा जाए उतना ही कीजिए। ओह सॉरी मैडम, एक्सट्रीमली सॉरी। जा सकते हो किरण, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तड़पा तड़पा के मारूंगी। लगूं बड़े भैया। जीती रहो यशोदा। किरण रात कितने बजे आए? वो आए होंगे एक डेढ़ बजे आए होंगे भैया। एक डेढ़ बजे? तब तक तो मैं भी जग रहा था। तुमने पूछा नहीं उसे इतनी देर तक कहां था वो? अरे भाभी से क्यों पूछते हो बड़े भैया? वो कल रात को क्या हुआ कि मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी थी, मैं और किरण वहां चले गए। वहां से जरा देर से निकले तो घर पहुंचते पहुंचते और भी लेट हो गए। है ना किरण? हाँ भैया, कल रात बहुत देर हो गई थी। चल दुलारे। अच्छा भैया, नमस्ते भाभी। सुनिए टिफिन लेकर नहीं जाएंगे? नहीं, कैंटीन में ही खा लूंगा, बहुत देर हो गई है ना। किरण पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था। आज ये काम हो जाना चाहिए।
आप फिक्र मत कीजिए देवकी जी, शाम ढलते ही आपका ये काम हो जाएगा। ये रहा एडवांस, बाकी काम होने के बाद, लेकिन काम आज रात को ही हो जाना चाहिए, समझे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारा बाप। वक्त पर नहीं आती तो मेहरबानी इंस्पेक्टर साहिबा, आपने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया, वरना मां का सपना अधूरा रह जाता। आप कौन सा सपना अधूरा रह गया भैया? तेरी शादी करवा दी, अभी अमर की करना बाकी। ओहो बड़े भैया, हम दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया है कि अगर आपने काम धाम बंद नहीं किया तो हम लोग मिलकर आपको शादी करा देंगे। यस हेलो, क्या मैं आशा से बात कर सकता हूँ? आशा या आशा जी से? हाँ आशा जी से। आशा जी इस वक्त बहुत गहरी नींद में है, जवानी की नींद है ना। वैसे तुम कौन बोल रहे हो? जी मैं अमर हूँ। अमर? अमर, तुमने कौन सा ऐसा काम किया है जो तुम अमर हो गए? क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रही हैं? मैं आशा की आंटी बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी जी, मैं तो आपको मौसी जी बोलूंगा। हाँ क्या है मौसी जी, मैं आशा जी के जरिए आप ही से मिलना चाह रहा था। असल में क्या है कि वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है और मेरी क्लासमेट भी है, और उसकी ऊट पटांग हरकतों की वजह से मुझे लगा कि मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है, कहीं वो आपके आसपास तो नहीं है। और मौसी जी आपसे एक और कॉन्फिडेंशियल बात कहनी थी, उसका आजकल रोमांस बड़ी जोर शोर से चल रहा है वो, और लड़के को आप भी जानती हैं कितना घटिया और कमीना इंसान है वो। क्या कह रहे हो तुम? अब मुझे क्या करना, घटिया कमीना है तो वो है। और दूसरी बात ये कहनी थी कि जिस तरह के कपड़े पहन के वो कॉलेज में आती है, कितने घटिया चीप और ऊटपटांग, देख के मुझे तो शर्म आती है आंटी जी। अरे मेरा मतलब मौसी जी। और दूसरी बात ये कि उसके बाल ऐसा लगता है जैसे ब्यूटी पार्लर से चली आ रही है। अब ऐसे कपड़े और ऐसे बाल देख के कोई छेड़ेगा नहीं तो क्या आरती उतारेगा? ओफो, मैं आशा हूँ। आशा? मेरे को मालूम है तुम आशा बोल रही है, तुम आंटी जी नहीं बोल रही। इसी बात में तुम्हें एक बड़ा खूबसूरत रोमांटिक शेर सुनाता हूँ, सुनो। कौन है भाई, किससे बात कर रही हो? डैडी वो बात है, वो मेरी सहेली है ना फरीदा। बहुत बातें करती है, हमेशा शेर और शायरी की बातें करती रहती है। फरीदा। ओ डैडी। खाना लग गया, हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाओ। हाँ जी डैडी, नहा धोकर आती हूँ। खैर तुमने फोन क्यों काट दिया, कितना रोमांटिक मूड बना था। तो शेर सुनो, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। कौन है आप? ये उसका बाप है। आशा जी डैडी,
ये फरीदा शायरी के अलावा और क्या क्या करता है? फरीदा लड़की का नाम है डैडी। ओ, तो फिर ये फोन पे उल्टी सीधी बातें कौन कर रहा था? देखो बेटी, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं डैडी। मैं आपकी बेटी हूँ, दुनिया की ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन अमर बहुत ही नेक और शरीफ लड़का है डैडी। ये अमर वही लड़का ना जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है और एक बार चमन से? जी डैडी, अमर वही लड़का है। अरे उसे किसी दिन घर पे तो बुलाओ, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर ये तेरी जिंदगी और भविष्य का सवाल है। आपको अमर के बारे में जो कुछ भी जानना है मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, डैडी यू आर सो गुड। हाँ तो भाई शायर साहब, क्या था वो शेर? अरे शेरो शायरी छोड़ो, ये बताओ कल क्या गुजरी? भाई मेरी तो अच्छी गुजरी, मगर डैडी की आवाज सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जनाब की। चौक पड़े थे हुजूर। चौक पड़ा था? उस वक्त से अब तक बराबर चौक रहा हूं। पता नहीं डैडी ने तुम्हारे क्या सोचा होगा मेरे बारे में। सोचा तो बहुत, मगर अच्छा सोचा। डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? तुम्हारे डैडी मुझसे मिलना चाहते हैं? आशा, क्या मेरी फोटोग्राफ से काम नहीं चलेगा? क्या शादी के फेरे भी फोटो के साथ लेने होंगे? इसका मतलब तुम्हारे पिताजी मान गए, बात बन गई। याहू! Bye.
19 के तुम 20 के हम भाई साहब वाह, दारू आप पीने और झटका मुझे लग रहा है। कौन हो तुम? मेरा नाम है उल्लू। उल्लू के पट्टे। गाली क्यों देते हैं भाई साहब? भाग जाए यहाँ से वरना थोपड़ा तोड़ दूंगा। आप किसी गली के दादा हैं क्या? शट अप। डर गया भाई, डर गया, मेरा बाप भी डर गया। पुलिस भैया नमस्ते। दुलारे, अच्छा हुआ तू आ गया। किरण कहाँ है? कल साई रात से घर नहीं आया। यशोदा परेशान है, कहाँ गया है वो? बड़े भैया बात यह कि किरण कल रात को दारू के अड्डे पे पकड़ा गया है। क्या किरण दारू के अड्डे पे? देवा सिंह किरण को लेकर आओ। किरण और शराब पीने लगा है, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सपने अक्सर हकीकत से परे होते हैं सावित्री। भैया भैया
भगवान को साक्षी मानकर बता, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो तुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा? मैंने मां को वचन दिया था, मुझे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो तुझे शराब पीकर बर्बादी के रास्ते पर जाना पड़ा? भैया भैया, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। गलती तो मेरी किस्मत की है, मेरी नौकरी छूट गई है भैया, और मैं किरण, इतनी सी बात से हार गया तू? तूने अपने बड़े भैया को इतना कमजोर समझा है क्या? अरे पगले, मैं मरा नहीं हूं, तुम दोनों भाइयों की अपनी जान दे सकता हूं। भैया बना दे इसे दूल्हा मुंडी मरोड़ के। ऐसा दूल्हा बनाओ साले को टूटे हुए हाथ पैर लेकर घोड़ी के बजाय पालकी में जाए। अगर ये पालकी में जाएगा तो आशा जी किस में जाएंगी? अरे इन्हें तो हम उठा के ले जाएंगे। अच्छा, मुंडी मरोड़ के। अपना अपना नाम और पता लिखकर जेबों में डाल लो, ताकि मोहल्ले वाले पहचान कर घर तो पहुंचा दें। अबे ओ साले, बहुत अकड़ता है। बुड्ढी पर उड़ दो साले की। क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि कहाँ बैठूं। जी तो चाहता है तुम्हें अपनी पलकों में बैठा लूं, मगर क्या करूं, बहुत तारी हूं। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? तुम्हारे लिए इतनी सारी जगह है दिल में, लेकिन अपनी जगह भाभी के दिल में बना लेना जरा। अमर तुम कब अरे ये चोट कैसे लगी? किसको? हाँ, इस लड़की की वजह से लगी है। मेरी वजह से? हाँ। ये झूठ बोलता है, ये खुरी गुंडों से लड़ा था। जरा इनसे पूछे किसकी वजह से लड़ा था, किसकी वजह से बताओ। इसकी वजह से ना, अक्सर प्यार में ऐसा ही होता है, जब दो दिल मिलते हैं दुनिया की सारी बातें भूल जाते हैं। भाभी तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है, हुआ मुझे नहीं, हुआ तुम्हें है। प्रेम रोग बच्चों, प्रेम रोग। तो तुम्हें पता चल गया? जी हाँ। तो ये बताओ कि मेरी पसंद तुम्हें कैसी लगी? मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई, लेकिन अपनी पसंद का नाम तो बताओ। आशा। आशा, मेरी बात ठीक है, मगर अपने भैया और बड़े भैया। भाभी बड़े भैया को तुम पटा लेना, और छोटे भैया को तो मैं अंदर कर ही लेता हूँ। ओके चलो आशा। अमर। यस सर। आपने फीस नहीं भरी? कब भरोगे, जब तारीख निकल जाएगी? आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो, एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। यस सर। भाभी, भाभी। हाँ अमर। भाभी एक 200 रुपए दो। किस लिए? 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी है। मेरे पास पैसे नहीं है अमर, और 3 महीने से तो तुम्हारे भैया की भी तनख्वाह का कुछ पता नहीं। अरे 2-4 दिन में पैसे मिल जाएंगे तो तेरी फीस दे देंगे। अरे अमर, तनख्वाह में देर सवेर तो हो ही जाती है। यशोधा, ये थोड़े से पैसे हैं,
रख लो। हाँ बड़े भैया, इतने पैसे आप कहां से लाए? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? तुम दोनों ने तुमसे कहा था कि मैं काम बंद कर दूं, सो मैंने दुकान बंद कर दी। वो डिपॉजिट के थोड़े से पैसे मिले थे, सो मैं ले आया। ठीक किया ना मैंने? अरे बहुत अच्छा किया। अब आप कितना काम करते? देखिए किरण भैया तो काम कर ही रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद कॉलेज की डिग्री मिलने के बाद मुझे भी नौकरी मिल जाएगी और फिर नोटों की बारिश होगी, क्यों किरण भैया? बस। अमर यार सच कहता हूँ, बहुत खुशी हुई तेरा फर्स्ट क्लास पास होने का रिजल्ट सुनकर। अब जरा जल्दी से एक पार्टी हो जाए जिसमें वेज नॉन वेज कोल्ड ड्रिंक्स हॉट ड्रिंक्स सब ड्रिंक हो जाए। आप सब लोगों की पार्टी ड्यू है। दोस्तों मैंने एक डिग्री तो हासिल कर ली है, लेकिन इस देश में डिग्री हासिल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी नौकरी मिलना। तो अच्छी नौकरी मिलना और डिग्री मिलना दो बातें हो गई, यानी कि आप लोगों की दो पार्टी ड्यू हो गई। तो आप सब लोगों को दो पार्टियां मिलेंगी, एक नौकरी के लिए और एक डिग्री के लिए। कांग्रेचुलेशंस अमर। थैंक यू भैया। भैया मैं पास हो गया। अरे वो तो होना ही था, पास ही हुआ या तू? मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं। शाबाश अमर, मां का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, उनकी मुरादें जरूर पूरी होंगी। आओ ना डैडी, ये अमर है। आओ अमर आओ बैठो। वेरी कंग्रेचुलेशंस, आशा ने बताया कि तुम फर्स्ट आए हो। थैंक यू सर। अब क्या करने का इरादा है? फिलहाल तो सर्विस करने का इरादा है, लेकिन घर वालों का हाथ बटाना भी तो मेरा फर्ज है। ख्याला तो बहुत अच्छे हैं, मगर अमर पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। जी। घर वालों का हाथ तभी बटा सकोगे जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बताना, तकल्लुफ मत करना। अरे तुम यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अमर पहली बार घर आए, चाय वाय पिलाओ। आओ अमर जाओ। आपको मैंने कितनी खबरें लाके दी, मगर लगता है कि आप मेरा काम कभी नहीं करवाएंगे, और मेरे मामा जी आशा की शादी उस उल्लू के पट्टे के साथ करवा देंगे बुड्ढी मरोड़ के। नहीं नहीं चमन, जब तक हम जिंदा है वो बुड्ढा अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करेगा। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो हम आशा को उठा लेंगे। कैसा है? कौन है भैया मुंडी मरोड़ के? पुलिस की हर डायरी में हमारा नाम सोने के अक्षरों में लिखा है, नाम है हमारा राका, और हम कहीं भी डाल देते हैं डाका। शर्मा जी हमसे गुजारिश करें तो हम उस लौंडे को काट के खा जाएंगे तुम्हारी मुंडी मरोड़ के। शर्मा जी तो फिर कुछ कीजिए ना। चमन तू हमेशा की तरह बुद्धू का बुद्धू ही रहा। अरे दाव तब लगाया जाता है जब हार जीत की दौड़ शुरू हो जाती है, थोड़ा सबर कर। सबर किरण, किरण दुलारे ये लो, पहले गाजर का हलवा खाओ। क्यों किरण की नौकरी मिल गई है क्या? नौकरी मिल गई क्या मतलब? वो सच बताओ दुलारे, तुम्हें मेरी कसम भाभी, 3 महीने से मैं देख रही हूँ उनकी तनख्वाह भी नहीं आई। तनख्वाह कहाँ से आएगी भाभी, जब किरण की नौकरी ही चली गई। क्या? हाँ भाभी, नई मालकिन ने किरण को नौकरी से निकाल दिया है। और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताता भाभी बेचारा, वो तो वैसे ही बहुत परेशान है, लेकिन लेकिन इसमें किरण का कोई कसूर नहीं है, ये सब किया कराया उस मैनेजर शर्मा का है। भाभी आप मेरी एक बात मानो तो जाकर नई मालकिन से मिलो, वो बहुत अच्छी है। हाँ वो जरूर आपकी मदद करेगी। नमस्ते। नमस्ते, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? आप ही मेरे घर को बर्बादी से बचा सकती हैं, यही बिनती लेकर मैं आपके दरवाजे तक आई हूँ। हम तुम्हारे घर को बर्बादी से बचा सकते हैं? वो कैसे? जिन मजदूरों को आपने निकाला है उनमें मेरे पति भी। हमने तो सिर्फ एक ही आदमी को निकाला है, बाकी मजदूर तो अपनी मर्जी से काम छोड़कर गए हैं। जानती हूँ, मगर जिसे आपने निकाला है वही मेरे पति है, उनका नाम किरण है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती,
भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। तुम जा सकती हो, यकीन मानिए आपको इनके खिलाफ आपके मैनेजर ने भड़काया है। वो तो इंसान के रूप में देवता है देवता। आप किसी भी मजदूर से पूछ के देख लीजिए, दूसरों की मदद करना तो वो अपना धर्म समझते हैं, मगर आज उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। मालकिन आज तो घर की हालत ऐसी है कि चूल्हा भी दो वक्त नहीं जलता। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे का इलाज करवा सके। उनकी बेबसी मुझसे देखी नहीं जाती, डरती हूँ कहीं कहीं कुछ कर ना बैठे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें नौकरी देकर मेरे सुहाग को बचा लीजिए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए मालकिन। वचन देती हूं बहन, तुम सदा सुहागन रहोगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे बड़े भैया, ये सब क्या है? ये मैं क्या देख रहा हूं? बोलो बताओ, तुम्हें मेरी कसम। देख अमर, मेहनत करना कोई चोरी नहीं है और ना ही मेहनत करने में कुछ शर्म। घर के हालात ठीक नहीं है, किरण की नौकरी छूट गई है और मुन्ने की तबीयत ठीक। इतना सब कुछ हुआ और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया? हाँ तो ये बता कि परेशान करने से क्या फायदा होता। पढ़ने लिखने के दिन है, हे भगवान, इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। घबराओ मत यशोदा, बड़े भाई आते ही होंगे। क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर इंजेक्शन तो दे गया है मगर दवाइयों के लिए क्लिनिक में बुलाया है। तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? या दवा ले क्या ना? बड़े भैया वो ओहो, ये ले जा। कुछ खाने को दिया है इसे कि नहीं? शर्मा जी, आप किरण का बच्चा उठाकर हम तक पहुंचा सकते हैं? आप गए थे तो बच्चे के साथ साथ पूरे घर वालों को ऊपर तक पहुंचा सकता हूं। हमें सिर्फ बच्चा चाहिए। ये रहे 50,000 रुपए, 1.5 लाख काम हो जाने के बाद। ठीक है, लेकिन मैडम क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उस बच्चे में आपकी क्या दिलचस्पी है? आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए। ठीक है मैडम, ठीक है। ये है पूरे 20,000 रुपए एडवांस। काम बोलो। जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल? नाम है हमरा राका, हम कहीं भी डाल देता है डाका, समझ गए ना? किरण बाबू, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, आप भाइयों में वाकई में बहुत प्यार है, वरना किसी और के बच्चे के लिए इतना सब? किसी और के बच्चे के लिए मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। असल में वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, उस रात तुम्हारे बड़े भैया एक गर्भवती औरत को लेकर यहां आए थे
ये बच्चा उसी औरत का है और तुम्हारी वाइफ ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। होश में आने के बाद उसे कोई सदमा ना पहुंचे इसलिए तुम्हारे बड़े भैया ने उस औरत का बच्चा तुम्हारी वाइफ की गोद में डाल दिया। आप बता सकते हैं कि वो औरत कौन थी? भाई उसे तो तुम्हारे भैया लाए थे यहां, उन्हीं से पूछ लेना कि कौन थी वो, कोई तो रिश्ता होगा वरना इतनी हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी। उसे तो तुम्हारे भैया लाए थे यहां, उन्हीं से पूछ लेना कि कौन थी वो, कोई तो रिश्ता होगा वरना इतनी हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी। कोई तो रिश्ता होगा वरना इतनी हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी। कोई तो रिश्ता होगा वरना इतनी हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी। कोई तो रिश्ता होगा। असल में वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, असल में वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, असल में वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। आज फिर शराब पी के आया है? हाँ। क्या हो गया है तुझको? तेरा बेटा घर में बीमार पड़ा है, तू शराब पी के आया? ये मेरा बेटा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ यशोदा, ये हमारा बेटा नहीं है। पूछो इनसे ये किसकी नाजायज औलाद है। किरण होश में आ। आज तक बेहोश था मगर आज होश में आ गया हूँ। जिसकी मैं भगवान की तरह पूजा करता था आज पता चला कि वो भगवान नहीं शैतान है। मारो मारो, अरे मारते क्यों नहीं? अरे तुम क्या मारोगे? मैं तुम्हें धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुमने अपनी हवस पूरी करने के लिए ना जाने किस औरत के साथ ना जाने संबंध रखे और उसका पाप मेरी बीवी की झोली में डाल दिया। बताओ कौन थी वो औरत जिसे उस रात तुम अस्पताल लेकर गए थे? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस औरत के साथ? बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं? अरे तुम क्या बोलोगे? तुम तो झूठे हो, पापी हो, मक्कार हो। अगर तुम सच्चे होते तो इतना सुनने के बाद यहां एक पल भी नहीं रुकते, कहीं जाकर डूब पड़ते। जाता हूं, तू शांत हो जा भाई। जाता हूं। मां, लगता है मुझसे कोई भूल हो गई। मां तेरे स्वर्ग जैसे घर को नजर लग गई। मुझे माफ कर देना मां, मुझे माफ कर देना। बड़े भैया, बड़े भैया रुक जाइए। जाने दो, जाने दो। भाभी ये सब क्या है और बड़े भैया कहाँ? किरण भैया, किरण भैया। No!
घबराने की कोई बात नहीं है मैडम, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिर भी अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे टेलीफोन कर दीजिएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। लेटे रहिए। आप कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही अभागन लड़की हूं जिसे आप एक रात अस्पताल ले गए थे। वहां तुमने एक बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे को छोड़कर चली गई थी। क्यों? क्यों छोड़कर चली गई थी? क्या करती? बहुत मशहूर थी, नाजायज औलाद को लेकर कहां कहां भटकती मैं। इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। आपने मुझे क्यों बचाया? मैं मरना चाहती हूं। लेकिन तुम क्यों मरना चाहती हो बेटी? बच्चे के मां बनी और वो आदमी उसे दूसरी शादी कर ले। ऐसे मक्कार और बुजदिल आदमी से बदला लेने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्योंकि मेरी भी एक बेटी थी। उसकी कहानी और तुम्हारी कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है। उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उस आदमी से बदला लेना होगा। बदला लेना होगा, बदला लेना होगा। और इस तरह मैं बच गई, लाखों की दौलत की मालकिन बन गई। मगर मेरे दिल में बदले की भावना आग की तरह दहकने लगी। तुमने उस आदमी से बदला ले लिया? ले रही हूं। मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। कौन है वो आदमी? उसका नाम किरण है। किरण? किरण दीवान तीननाथ जी के यहां नौकरी नहीं करता था। आप उसे कैसे जानते हैं? उसका कोई दोष नहीं, तुम्हारा गुनहगार मैं हूं। आप? हां, मैंने उसे शादी के लिए मजबूर किया था। आपने? हाँ, भगवान की लीला भी निराली। जिस बच्चे को तुम अनाथ बनाकर वहां छोड़ाई थी, आज वही बच्चा अपने बाप के यहां पल रहा है। मेरा बच्चा? मेरा बच्चा जिंदा है? हाँ, किरण मेरा छोटा भाई। उस रात उसकी पत्नी यशोदा ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। होश में आने के बाद उसे सदमा न पहुंचे, मैंने डॉक्टर से विनती करके तुम्हारे बच्चे को यशोदा की गोद में डाल दिया। तो फिर चलिए, कहीं कुछ अनर्थ होने से पहले किरण के घर चलिए। नहीं, किरण को मुझ पर शक है कि वो बच्चा मेरा है, मेरी नाजायज औलाद, इनके लिए मैंने अपनी खुशियां, अपना सब कुछ
बड़े भैया, आप पर लगा ये दाग मैं धोऊंगी। किरण की गलतफहमी मैं दूर करूंगी। आपसे एक ही विनती है, आप यहीं रहिए। आपको मेरी कसर। मुझे नहीं मालूम और मालूम करना भी नहीं चाहता। अगर आप मालूम करना नहीं चाहते तो मैं मालूम करके आता हूँ। देखिए, ऐसे कठोर मत बनिए। बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। वो हमारा बच्चा नहीं है, ना जाने किस बच्चलन औरत का पाप है वो। वो बच्चन औरत मैं हूँ, देवकी जी। तुम? शुक्र है आपने मुझे पहचान तो लिया। तो मुन्ना, मुन्ना मेरा बेटा है। ये मुझसे क्या हो गया देवकी? देवकी, भगवान जानता है मेरी मजबूरियों ने मुझे तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुजरिम हूं, जो चाहे सजा दे लो। जानती हो जब मैं तुम्हें गांव छोड़कर आया तो? जानती हूं, बड़े भाइयों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उस रात मुन्ने को अस्पताल में अनाथ आश्रम के लिए छोड़कर मैं आत्महत्या करने के लिए चली गई थी, मगर भगवान ने मेरी किस्मत में और दुख लिखे थे, इसलिए मैं मर भी न सकी। बस देवकी बस, मुझे माफ कर दो। हमारे मुन्ने को कोई बदमाश उठाकर ले गया है। मैं मुन्ना और भैया को लेने जा रहा हूँ। ठहरो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बड़े भैया मेरे घर में है और मुन्ना भी वहीं आता होगा। देवकी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं किरण, इस वक्त मुनासिब नहीं है, बात बिगड़ भी सकती है। आप सोच क्या रहे हैं, मुन्ने को लेने नहीं जाएंगे? हेलो। हाँ, मैं शर्मा बोल रहा हूँ देवकी जी। काम हो गया? शर्मा, जिस काम में एक हाथ डालता है वो पूरा हो जाता है। इस काम में तो मैंने दोनों हाथ डाले थे, काम 16 आने हो गया है। तो कहाँ है वो बच्चा, उसे जल्दी ले आओ। हाँ हाँ, खिलौना खिलौना, शीशे का खिलौना। इस वक्त वो खिलौना मेरे हाथ में है और मैं एक बिल्डिंग के 20वें माले पर हूँ, कुछ समझी? देखो शर्मा, 50,000 रुपए मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, बाकी के 1.5 लाख रुपए तुम यहाँ आके ले जाओ। बच्चे का मुझ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जानता हूं, जानता हूं। एक बच्चे का अपनी असली माँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 50,000 रुपया बच्चे को उठाने का और 1.5 लाख रुपया उस बच्चे को तुम तक पहुंचाने का था, लेकिन ये उस वक्त तक थे जब तक ये बच्चा किरण का था। अब ये बच्चा 1 करोड़पति औरत देवकी जी का है। शीशे का खिलौना अब हीरे का बन चुका है। सुनो, आज शाम ठीक 4 बजे एक ब्रीफ केस में 20 लाख रुपया डालकर अहमदनगर रोड पे आ जाना। पुलिस की मदद मांगने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे जिगर के टुकड़े के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं शर्मा, भगवान के लिए ऐसे मत करना। जो तुम कहते हो वही करूंगी मैं, अकेली आऊंगी। जितने पैसे तुम्हें चाहिए सब मिल जाएंगे। गुड गुड।
जी, मैं यहां हूं। मेरा बच्चा कहां है? पहले वो नोटों से भरा हुआ बैग मेरे हवाले करो रानी। मेरा बच्चा? बच्चा? बच्चा इन्हीं झोपड़ों में से एक झोपड़े में है। अगर जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की और बैग नहीं दिया तो सब झोपड़े एक के बाद एक उड़ा दिए जाएंगे। नहीं नहीं। राका, बच्चे को बाहर भेजो। नमस्ते मैडम जी। लेकिन मेरा बच्चा? बैग हमरा हवाले कर दो, बच्चा खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगा। ए, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है हुजूर। नाम है हमरा राका और हम कहीं भी डाल देते हैं डाका। आज तुम्हारा नंबर है। वो पिस्तौल खाली है। देखते कहो खाली है। पर इसमें 6 गोली है। हमने कहा ना, नाम है हमरा राका, बैग इधर लाओ जल्दी से, नहीं तो खोपड़िया में 6 होल बना देंगे। ये राका कहीं भी डाल दो डाका। तो हमारा नाम है चमन मुंडी मरोड़ के। चल बैग यहां दे दे। ए चल, नहीं तो गोली मार देंगे। चल राका, जिस तरह तुमने शर्मा जी की पिस्तौल खाली कर दी थी मुंडी मरोड़ के, उसी तरह मैंने भी तुम्हारी पिस्तौल खाली कर दी मुंडी मरोड़ के। हराम जादे। गोलियां नहीं है, ला बैग ला, जल्दी ला। अरे नाम है हमरा राका और डालेगा हम पे ये भूतिया डाका। लगता है खाड़ी युद्ध यहां शुरू हो गया। पहले तो तुझे पीटेंगे बबुआ। मुन्ना कहाँ है? पहले पैसा। मुन्ना बता, मुन्ना कहाँ है? Thank you.
हिलने की कोई भी कोशिश मत करना, वरना दांत खराब तो तंदुरुस्ती खराब और गोली चली तो सबकी जिंदगी खराब। इंस्पेक्टर छोड़ दो, एक एक की मुंडी मरोड़ के आता हूँ। तेरी मुंडी में जेल में चलकर मरोड़ूंगा। नाम है हमरा राका। शट अप। अब हम जेल में ही जाके डालेंगे ढाका। ले जाओ इसको। कौन सी जेल है भाई साहब? देवकी। देवकी जी, इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो भाई। नहीं बड़े भैया, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। किरण, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे स्वर्ग जैसे घर को तबाह करके रख दिया। नहीं देवकी, बड़े भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। दोष तुम्हारा नहीं, मेरी तकदीर का था। मुन्ना, मैं तो तेरी माँ के आने के लायक ही नहीं हूँ। यशोदा बहन, मुझे बचन दो। इसे तुम उसी तरह पालोगी, उतना ही प्यार दोगी जितना यशोदा माँ ने अपने बेटे को दिया था। मैंने अपनी सारी दौलत इसके नाम कर दी है। तुम और तुम्हारा
स्वर्ग जैसा घर, सदा के लिए सलामत रहे। देवकी जी, देवकी, देवकी जी, मुझे माफ कर दो किरण। नहीं देवकी, नहीं देवकी, यशोदा बेन, जैसा घर, स्वर्ग जैसा।